हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप बच्चों? आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स एंड देयर साउंड्स। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने एनिमल्स और उनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे उन्हीं एनिमल्स के साउंड्स के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो बच्चों, इनमें से आपने सारे एनिमल्स देखे होंगे, कुछ को आपने जू में देखा होगा, कुछ अपने आसपास देखे होंगे। अब आप इनमें से क्लासिफाई भी कर सकते हैं कि इनमें से कौन से मैमल्स हैं, कौन रेप्टाइल्स हैं, कौन से इंसेक्ट्स में आते हैं और किसे आप बर्ड्स की कैटेगरी में रखेंगे। तो अब आप पहचानिए, मैं एक आपको साउंड सुनाती हूँ कि ये किसकी साउंड है। क्या आपने आइडेंटिफाई की? यस, ये डॉग की आवाज थी। किसकी? डॉग की, जिसे आप यहाँ देख भी सकते हैं। चलिए तो हम एक और साउंड सुनते हैं और पता करते हैं वो किसकी है। तो बच्चों, ये आवाज किसकी थी? यस, इट वॉज द साउंड ऑफ कैट एंड द साउंड इज नोन एज मियाउ। तो बच्चों, कैट के बाद अब जो साउंड था वो किसका था, गेस कर सकते हैं? यस, इट वॉज द साउंड ऑफ गॉट, और गॉट की आवाज आपने अभी सुनी, और अब आप जज करिए ये किसका साउंड है। क्या आप जज कर सकते हैं ये आवाज किसकी थी? यस, इट वॉज द साउंड ऑफ शीप, ये भेड़ की आवाज थी। तो बच्चों, इस तरह से कई सारे एनिमल्स अलग अलग साउंड्स क्रिएट करते हैं और हम उन्हीं के बारे में जानते रहेंगे। एनिमल को देखकर आप इस साउंड को तो पहचान ही गए होंगे। यस, ये है डोंकी की साउंड। तो ये आवाज थी हॉर्स की। ये साउंड है कैमल की। अब देखते हैं अब कौन सा एनिमल अपनी साउंड बताता है। ये आवाज थी बफेलो की, मतलब भैंस की। ये साउंड थी एलिफेंट की। ये था किंग ऑफ जंगल, मतलब लायन। पहचाना आपने? ये है क्रोकोडाइल। ये हमारे लिस्ट का पहला रेप्टाइल है। अभी तक हम जिन्हें देख रहे थे वो सब थे मैमल्स। तो ये साउंड था स्नेक का, मतलब सांप। बच्चों, आपने इस साउंड को आइडेंटिफाई किया, पहचाना? तो बताइए इन सारी बर्ड्स में से ये किसकी आवाज थी। हाँ, ये तो क्रो की आवाज थी, कौवे की आवाज। तो आइडेंटिफाई की आपने ये आवाज, ये थी हैन की साउंड। अब सुनते हैं अब किसकी साउंड है। तो बच्चों, ये किसकी साउंड थी? ये साउंड थी कॉक की। अब पहचानिए ये किसकी साउंड है। ये आवाज तो आपने पहचान ही ली होगी, ये है हमारा नेशनल बर्ड मींस पिकॉक। ये था पैरट, मतलब तोता।
तो ये सॉन्ग था हमारी प्यारी बुलबुल का। ये है मॉस्किटो जो आपको हमको सबको रात में परेशान करता है और हमें इसे बचकर रहना चाहिए। मच्छर से मलेरिया होता है। ये है हनी बी और हनी बी की साउंड को बोलते हैं और ये हमें हनी देती है, बिल्कुल प्योर हनी। बच्चों आई होप आपको ये साउंड्स समझ में आए होंगे। एनिमल्स के साउंड्स और एनिमल्स के नेम के अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन रेडी किया है। आप इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिए और साउंड्स के सामने उनके एनिमल्स के नाम लिखिए और इसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।